प्यारे मित्रों, दोस्तों, चंद्रा इंस्टीट्यूट तथा इतिहास वाले रघुवंशी सर की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर उसी एंशेंट हिस्ट्री पर जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन फिर हल करते हैं। 20 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा क्वेश्चन हम ले आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्तकाल के चांदी के सिक्के को गुप्तकाल में होना चाहिए। चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? यहाँ देख रहे हैं, दीनार। अरे दीनार तो सोने के सिक्के को कहा गया गुप्तकाल में। रूपक, यही है आपका क्वेश्चन कि रूपक चांदी के सिक्के को गुप्तकाल में। और पीछे दो क्वेश्चन और जान लीजिए, मौर्य काल में सोने के सिक्के को सुवर्ण तथा चांदी के सिक्के को करसापण। मौर्य काल की बात है, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्के को रूपक। चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया, यहीं पर आप देखेंगे ना। तो गुप्त काल में उत्पादन का छठवां भाग कर के रूप में लिया जाता था, छठवां भाग कर के रूप में लिया जाता था। और यहीं पर आप देख लीजिए कि गुप्त काल में ही, गुप्त काल का संदर्भ आया तो थोड़ा सा सुन लीजिए 2 मिनट इसको। गुप्त काल में ही पहली बार मंदिर का साक्ष्य मिला था, पहली बार त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप देखने को मिला था। इसी समय अर्धनारीश्वर, याद रखिएगा, इसी समय अर्ध नारीश्वर बड़ा समय लग रहा है इसमें, अर्धनारीश्वर यानी शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्ति, संयुक्त मूर्ति अर्धनारीश्वर गुप्त काल में ही पहली बार नाम आया है। और गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश झांसी ललितपुर, भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश कानपुर, इतना जानते रहिएगा। आगे लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दूसरे नंबर पर है कि हरिशेण निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ये देखिए, हरिशेण किसके दरबार में था? पीछे हम बता करके आए ना कि समुद्रगुप्त का समुद्र हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री और सेनापति के पद पर था। ये देख रहे हैं, कवि मंत्री सेनापति के पद पर था और एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था, प्रयाग प्रशस्ति नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया था हरिशेण समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्रगुप्त के बारे में पीछे हम शायद बता चुके हैं कि समुद्रगुप्त के नाम से प्रयाग अभिलेख या इलाहाबाद का अभिलेख, नोट करिए, प्रयाग या इलाहाबाद का अभिलेख समुद्रगुप्त के नाम से। इसी अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त कभी किसी राजा से पराजित नहीं हुआ था, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ कराया था, यज्ञ पूजा पाठ करा के घोड़ा छोड़ा था, समुद्रगुप्त लभ करता था किसे? संगीत से, यानी सिक्के पर वीणा बजाता हुआ समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, अर्थात वीणा वादक था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बताए। अगला क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिखाया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन, अरे वही तो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये तो हम क्लियर कर दिए हैं आपका, समुद्रगुप्त ये देखिए, यह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। नेपोलियन फ्रांस का था, नेपोलियन भी कभी किसी राजा से पराजित नहीं हुआ था फ्रांस में, भारत में समुद्रगुप्त कभी किसी राजा से पराजित नहीं हुआ था, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि
अगला क्वेश्चन है फाहेयान। फाहेयान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अब देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इसमें से निकालिए। तो इसमें आपको आ रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ये देखिए यार, फाहेयान थोड़ा सा जान लीजिए यहीं पर। पहले तो अपना क्वेश्चन जानिए कि चीनी यात्री फाहेयान भारत में, चीनी यात्री था इसको भी याद रखिए, भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर मध्य प्रदेश के उज्जैन में दूसरी राजधानी स्थापित किया था। ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी मध्य प्रदेश थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में थी। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही पहुंचा और मध्य प्रदेश की जनता को देखा तो सुखी एवं समृद्ध बताया। अच्छा ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त था। देवराज या देवगुप्त था। अपने अपने शकों पर विजय, शक गुजरात में थे सर, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान दीजिए, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और इसी के उपलक्ष्य में पहली गुप्त राजाओं में पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया था। ये भी जानिए, अपने बड़े भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी, ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया था, क्योंकि रामगुप्त डरपोक किस्म का था। ध्रुव, अरे वही ध्रुव स्वामी ने, जो आप जयशंकर प्रसाद पढ़े हो, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामी ने, तो बताया गया है कि ध्रुव देवी का विवाह भले रामगुप्त से हुआ था किंतु ध्रुव देवी का कनेक्शन कुछ न कुछ चल रहा था चंद्रगुप्त, दोनों मिलकर ध्रुव देवी या चंद्रगुप्त दोनों मिलकर रामगुप्त का मर्डर करा दिए। अंत में चंद्रगुप्त द्वितीय चालाकी किया, ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ रत्न थे, याद रखिएगा, नौ विद्वान थे। ज्यादा यही पूछा गया, आप नौ चाहेंगे तो ले सकते हैं। कालिदास, अमर सिंह, सुन लीजिए, कालिदास, अमर सिंह, वाराह मिहिर, बेताल भट्ट, वररुचि, धनवंतरी, क्षणपक, शंकु, घटकर पर, नौ रत्न थे इसके दरबार में विद्वान। अच्छा ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते रहिए। अगला क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन आपका आ गया है, दक्षिण भारत का इतिहास देखिए। दक्षिण भारत चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ तक स्थापित किया था? चालुक्यों का दक्षिण में था इनका, दक्षिण भारत का इतिहास ही दक्षिण में। अच्छा, चालुक्य वंश के बारे में थोड़ा सुनिए आप, तो आप लोग चालुक्य वंश के बारे में सुनोगे तो चालुक्य राजाओं की राजधानी वातापी या वादामी थी। राजधानी वातापी या वादामी थी, याद रखिएगा। बड़ा बड़ा महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के नाम से एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। याद रखिए कि पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था। फिर आप देखोगे ना तो एक चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में दो लेखक थे, एक था काश्मीरी कवि बिल्हड़। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहकर कौन सा ग्रंथ? विक्रमादेव चरित नामक ग्रंथ की रचना किया था, बिल्हड़ का ग्रंथ विक्रमादेव चरित। और एक लेखक विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर का हिंदू ग्रंथ क्या नाम था? मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर और विक्रमादेव चरित के लेखक बिल्हड़, ये दोनों किसके दरबार में? विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में। एहोल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था,
आगे लेकर बढ़े। ऐहोल मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कौन, ये चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कौन कराया था? विजयालय, विजयालय कराया था। ये देख रहे हैं, चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण विजयालय, तो विजया विजयालय। अब यहां से सुन लीजिए, इसके बारे में सुना देते हैं कि ये विजयालय जो था ना, चोल वंश का संस्थापक था, तंजौर, दक्षिण भारत का इतिहास है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था, चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, आगे चोल वंश का वास्तविक संस्थापक परांतक प्रथम, परांतक प्रथम, सुनिएगा आगे देखिए कि चोल वंश का महान राजा राजराज प्रथम कहाँ अपने नाम का मंदिर बनवाया, कहाँ? तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। इसी राजराजेश्वर मंदिर के कैंपस में नंदी की भारी भरकम प्रतिमा स्थापित कराया था। चोल राजाओं की नटराज की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध मानी गई है, नटराज की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध मानी गई है। आगे लेकर के हम निकल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, आगे 7 नंबर पे हम पहुंच रहे हैं। ये देख रहे हैं, चोल से ही संबंधित है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण किया था, चोल राजा? ये देख रहे हैं, राजेंद्र प्रथम गंगकोंड, अब देखिएगा यही था, अब यही है गंगकोंड चोल की उपाधि, इसके आगे थोड़ा सा और, गंगकोंड चोल की उपाधि लिया था कौन? राजेंद्र प्रथम। ये देखिए, इनकी पर राजेंद्र प्रथम के बारे में जरा सुनिए, तो राजेंद्र प्रथम के पहले राजराज प्रथम श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। और फिर अगला को, राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर पूर्ण विजय प्राप्त किया था और अरब सागर पर अधिकार करके, ये देखिए, अरब सागर पर अधिकार करके गंगकोंड चोल की उपाधि लिया था और इसी के उपलक्ष में गंगकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। गंगकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी के निकट चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण कराया था राजेंद्र प्रथम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, देख रहे हैं, महाबली दक्षिण भारत का है इतिहास। महाबलीपुरम के सात रथों वाला मंदिर का निर्माण कौन कराया था? देख रहे हैं, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा सात रथों वाला मंदिर का निर्माण पल्लव राजा, समझ लीजिएगा, पल्लव राजा, यहां तो वंश पूछा, नरसिंह वर्मन प्रथम। देख रहे हैं, महाबलीपुरम की स्थापना किया और महाबलीपुरम में सात रथों वाला मंदिर का निर्माण कराया था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में जाने। आगे अगला क्वेश्चन लेके आ गए हम लोग, आगे क्या है अगला, ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, महाबलीपुरम है तो वही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में? अभी तो बताए हैं नरसिंह वर्मन प्रथम आपके महाबलीपुरम, ये देख रहे, महाबलीपुरम की स्थापना यही किया था और वहां पर सात रथों वाला मंदिर का निर्माण कराया था।
इसको याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे लेकर के चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला कहाँ से, चोल से ही रिलेटेड है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था। सबसे पहले अभी बता करके आए हैं ना कि चोल शासक राजराज प्रथम, ये देखिए राजराज प्रथम पहली बार श्रीलंका के उत्तरी भाग पर कब्जा किया था। हम पहले ही बता दिए आप लोगों को, और यही फिर से बता दे रहे हैं, यही कहाँ तंजौर में राज राजेश्वर अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चोल राजाओं के नटराज की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध मानी गई है। ठीक है, आगे लेकर के चलते हैं, 10 नंबर तक आप पहुंचे हो। अगला क्वेश्चन हमको लगता है कि आ गया है, ये देखिए इतिहास एंशिएंट में चले गए हम लोग। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या है कि कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये देख रहे प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आज भाई ये प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, पाषाण काल है, देख रहे अजंता तो गुप्त काल से है, बाघ भी गुप्त काल से है, और ये अमरावती भी दक्षिण भारत। यहाँ भीम बेटका से आप क्या कह सकते हो कि आप प्रागैतिहासिक काल के सभी चित्र पत्थरों के बने मिले। इसके बारे में सुन लीजिएगा कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट, दो मिनट सुनिए, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट दक्षिण भारत के पल्लवरम नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के औजारों को खोज निकाला। इस काल के सभी औजार पत्थरों के बने मिले, इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल को तीन खंड, अच्छा रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा गया है। पाषाण काल को तीन खंडों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीम बेट का प्रसिद्ध, ये मध्य पाषाण काल में है। चित्रकला कहाँ यहीं से जानिएगा, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे बढ़ा देते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला देखिए आगे आपका आया सिंधु संस्कृति से संबंधित है कि सिंधु घाटी सांस्कृतिक वैदिक सब, दो चैप्टर आया है ना इसमें, सिंधु घाटी और वैदिक, वैदिक में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों में अंतर पूछा गया है। क्या है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि देखिए इन सिंधु घाटी का, क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन, ठीक है, सिंधुवासियों का जीवन जो था शहरी था, ग्रामीण, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी, भले वो अज्ञात थी, इसके पास लोहे और रक्षा के शस्त्रों का अभाव था, ये भी बात सही है, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधुवासियों। आप देखोगे ना तो सिंधुवा सोना चांदी तांबा कांस्य सबका ज्ञान है, एक धातु का ज्ञान सिंधुवासियों को नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था। और ये भी बताया गया है कि सिंधु सभ्यता में लमसम कहा जाए तो सभी पशुओं का साक्ष्य मिला, गाय का साक्ष्य खुदाई में कहीं से नहीं मिला था। और ये भी चीज बताया गया कि सिंधु सभ्यता में धार्मिक दृष्टि से कौन सा पशु भगवान शिव का नंदी बैल को धार्मिक पशु जोड़ा गया है, इस काल में रहा है। भगवान शिव को पशुपति के रूप में उपासना होती थी, स्त्रियों की उपासना देवी या मातृ देवी के रूप में होती थी। आगे बढ़ा, इसका क्वेश्चन क्या है, इनके पास था शहरी जीवन था, चित्रलेखी लिपि थी सिंधुवासियों के पास, तो और वैदिक इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ठीक है, उपयुक्त सभी, देख रहे हैं ना सभी अंतर पड़ गया है। इन वैदिक काल की जो थी ना इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, जान लीजिएगा दोनों में बहुत बड़ा अंतर माना गया है, दोनों में अंतर है, ये सभी अंतर कोई कुछ नहीं इनके पास है, जो इनकी सभ्यता थी
ग्रामीण, मूलतः इनकी सभ्यता ग्रामीण थी। देख रहे हैं ये इन लोगों की ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जानते रहिएगा। ठीक है, आगे निकाल ले गए हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? आध्यात्म ज्ञान। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत आचार्यम, देखिए बिना देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, आचार्यम और नचिकेता के संवाद किस उपनिषद में, किसके संदर्भ में? आध्यात्म ज्ञान के संबंध में। कठो उपनिषद ढूंढ लीजिएगा, कठो उपनिषद में तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसके द्वारा? शिष्य नचिकेता और आचार्य से प्रश्न कर रहा है कि मरने के बाद कुछ बचता है या नहीं बचता, आत्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, तमाम आध्यात्म ज्ञान से संबंध कठो उपनिषद में आया है। ठीक है, आगे हम लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे? पहले तो आप ये जान लीजिए कि दोनों धर्मों में हम समानताएं बता देते हैं, तब इसको निकालिएगा कि दोनों नास्तिक थे, दोनों वेद को नहीं मानते थे। नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक का विभाजन ईश्वर को लेकर के नहीं हुआ, वेद को लेकर के है। आज के बाद दिमाग से कूड़ा करकट निकाल दीजिएगा। जो फिलासफर ईश्वर को नहीं मानते हैं उनको नास्तिक नहीं बल्कि अनीश्वरवादी कहा जाता, जो मानते हैं उनको ईश्वरवादी कहा गया है। और जो फिलासफर वेद को नहीं मानते उनको नास्तिक, जो मानते हैं उनको आस्तिक। तो दोनों नास्तिक थे, कौन? जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध दोनों नास्तिक थे, ये देखिए, जैन और बौद्ध दोनों, ये देखिए, ये यार, ये दोनों नास्तिक थे, जैन और बौद्ध दोनों नास्तिक, दोनों नास्तिक थे और दोनों अनीश्वरवादी थे, दोनों अनीश्वरवादी थे। रजत, दोनों अनीश्वर, रजत, दोनों अनीश्वरवादी थे। दोनों अनीश्वरवादी थे। अब देख रहे हैं, दोनों वेद को नहीं माने, दोनों, ये रजत हमारा हेल्प करता रहता है जो है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब देख रहे हैं, अब आइए, ये जैन और बौद्ध दोनों नास्तिक, वेद को नहीं माने, दोनों अनीश्वरवादी ईश्वर को नहीं माने, दोनों कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, जैसा बोया जाएगा वैसा काटा जाए, दोनों पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, दोनों अहिंसावादी थे और दोनों क्षत्रिय वंश के थे। इसमें देखा जाए क्या है, दोनों विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, सही है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष यही है, सब होना चाहिए, चारों पढ़ लिया, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष पर, जीवन में मध्यम मार्ग यही है आपका, कि दोनों न वेद को माने न ईश्वर को माने किंतु कर्म एवं पुनर्जन्म को दोनों मान लिए। आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, 15 नंबर पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए, अभी तो हम इसको बता के आ रहे हैं, आस्तिक और नास्तिक के विभाजन का आधार ईश्वर नहीं, वेद। जो फिलासफर वेद को नहीं मानता उसको नास्तिक, जो मानता है उसको आस्तिक। तो निकाला जाए विभाजन का, कौन सा? ईश्वरी सत्ता न, पुनर्जन्म न, वेदों की प्रामाणिकता। ये देखिए, यही है अंतर आपका, वेदों की प्रामाणिकता आस्तिक और नास्तिक के विभाजन का आधार। आगे बढ़ गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, 16 नंबर पर पहुंच रहे हैं। क्या क्वेश्चन दिखाया गया? रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड होना चाहिए, ये देखिए, किष्किंधा कांड।
रामायण के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई। रामायण में वर्तमान में कुल 24,000 श्लोक हैं, देख रहे हैं। तो रामचरितमानस की रचना संत तुलसीदास द्वारा की गई। तुलसीदास मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। अकबर के सम रामायण कुल 7 कांडों में है। ये देखिए, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, यहाँ जो दिख रहा है ना चौथा है, यहीं पर वानरी सेना से मुलाकात हुई है भगवान राम लक्ष्मण। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड आ रहा है आपका, देख रहे हैं ना ये स्थिति। तो यहाँ पर किष्किंधा कांड में मुलाकात हुई है। आगे हम पहुँच रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूट करा दीजिए। कूट में आप देख रहे हैं ना, कूट कराने, कूट में क्या है, आए खींच देते हैं तुरंत। भारवी, महाकवि भारवी, भारवी का क्या था कूट कराना है, भारवी का किराता अर्जुन, हर्ष का हर्ष का नागा नंद। अरे भाई बताए तो हैं कि हर्ष का 3 रचनाएं थे, प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंद रत्नावली। ये देखिए कालिदास की बहुत सारी रचनाएं रहे, कालिदास का क्या है यहाँ, मालविकाग्निमित्र। राजशेखर का क्या है, कर्पूर मंजरी, ये देख रहे ना। राजशेखर जो था ना ये इस कर्पूर मंजरी, अरे बहुत सारी इसकी भी, कर्पूर मंजरी, काव्य मीनामांसा, बाल भारत, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, इसकी रचना कालिदास की रचना तो आप लोग जानते हैं हिंदी संस्कृत, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, कुमार संभव, विक्रमोवर्षी, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ठीक है। आगे लेकर के चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आया है, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कूट ही कराया गया हमको लगता है। देखिए यहाँ भी कुछ कूट से ही दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है आगे, अमीर खुसरो, ये देखिए ना। तो अच्छा ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ना कि नीचे वाला देखिए कूट नहीं, इसमें ढूंढा, ये देखिए यहाँ क्या, तो भारवी का 3, यहाँ 3 निकाल लीजिए, और हर्ष का 4, देख रहे हैं मिल गया है ना, इस पर नहीं लगाया गया था ना, 3, 4, और कालिदास न, भारवी का 2, ये देखिए ये आया है, और हर्ष का 4, कालिदास का 3, यानी 2, 4, 3 और राजशेखर का 1, ये है आपका कर्पूर मंजर, ये यही है देख रहे हैं ना, ये तो ठीक। आगे चलते हैं कि क्या बोला गया है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा ये एक कवि हैं किसके दरबार में थे, तो सीधे निकाल लीजिए, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी का राज कवि था अमीर खुसरो। थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश एटा जिले पटियाली कस्बे में जन्म हुआ था, और अमीर खुसरो हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता, सितार का आविष्कार, तबला का प्रचलन और हिंदी तथा फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता अमीर खुसरो। फिर देख रहे हैं कालिदास किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी बता करके आए हैं। कालिदास की रचनाएं भारत का शेक्सपियर कहा गया है, पिछली बार सुपर टेट के पेपर में आया, कालिदास रचनाएं, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, कुमार संभव,
अभिज्ञान शाकुंतलम, हरिषेण, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री सेनापति के पद पर, इसका बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ था प्रयाग प्रशस्ति, बाण भट्ट किसका दरबारी कवि हर्षवर्धन, बाण भट्ट की दो रचनाएं हर्षचरित कादंबरी, अब मिला लीजिए चार नंबर, बी का आपका आया है एक, चार एक कहा यही है, चार एक मिला लीजिए, ये देख रहे हैं आपका उत्तर हो गया। ये आगे बढ़ गए हम लोग, आगे अगला क्वेश्चन आपका आया है 19 नंबर, 20 तक है इसमें। ये देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल प्राप्ति की चिंता मत करो, किस ग्रंथ में आया है, है ना। आप लोग सीरियल देखते हैं ना महाभारत का, कर्मणे वाधिकारे मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की चिंता मत करो, फल की चिंता छोड़ दो, किसके ऊपर, परमात्मा और परिस्थितियों के ऊपर छोड़ दो, केवल कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार, फल पर तुम्हारा अधिकार। ये कहाँ कहा गया है, ये गीता में है, ये देखिए गीता में आया हुआ है, ठीक है। आगे लेकर के चलते हैं इस वीडियो में अंतिम, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं, 40 विदेशी भाषा, देख रहे हैं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, देख रहे हैं किसमें, पंचतंत्र, ये देखिए पंचतंत्र हम पीछे बता के आ चुके हैं। ये देखिए, ये पहले तो आप अपना आंसर ले लीजिए, पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद ले लीजिएगा, फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के समय में किसके द्वारा, अबुल फजल, क्या 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 शीर्षक दिया था, अनवार सुहैली फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था उसको शीर्षक दिया था कौन, अबुल फजल, किसके समय में, अकबर के समय में, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आज फिर अगली वीडियो में हम आपको मिलते हैं, धन्यवाद। कहाँ गए रजत भाई, रजत बंद कर लो आप।